आखिर कौन है ये नकाब पुरुष? ध्यान से देखिए आप इनको। वेल, आपको पता होगा कि ग्रैंड प्रीमियर के दिन अनिल कपूर के साथ ये नकाब पुरुष आए हुए थे। वेल, बहुत सारे नकाब पुरुष आए हुए थे अपने साथ सूटकेस लेकर, लेकिन उनमें से सारे के सारे जो नकाब पुरुष थे फाइनली वो सूटकेस लेकर और वहां पे रखकर फाइनली वो चले गए थे। लेकिन उन्हीं में से एक जो नकाब पुरुष थे वो वहीं पे ऑडियंस के साथ बैठ गए थे और फाइनली सभी ऑडियंस के दिमाग में यही आ रहा है कि आखिर इस नकाब के पीछे किसका चेहरा है। जी हाँ, सो चलिए जानते हैं आखिर कौन हो सकता है ये, आखिर क्या काम है इसका बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के अंदर और क्या है माजरा, क्या है अपडेट, चलो जानते हैं। सो वेल, ग्रैंड प्रीमियर के दिन ये नकाब पुरुष आपको देखने को मिले थे और आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चंस आ रहे होंगे। वेल, आपके नहीं, मेरे दिमाग में भी 3 क्वेश्चंस आ रहे कि कहीं ये मैक्सटन तो नहीं। वेल, आपको पता होगा कि मैक्सटन को भी बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन एंड टाइम फाइनली इनको मना कर दिया गया और बोल दिया गया कि नहीं, आप बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में नहीं आ सकते हो। हमने आपको अप्रोच किया था लेकिन हमने आपको सेलेक्ट नहीं किया। बिग बॉस के मेकर्स ने ये कह दिया है मैक्सटन का, और मैक्सटन का यही स्टेटमेंट आता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं बिग बॉस ने हाइप बढ़ाने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं बोल दिया कि कहीं इसको छुपा कर थोड़ा तो नहीं रख दिया, कहीं इनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री तो नहीं होने वाली है। और दूसरा क्वेश्चन ये आने वाला है कि कहीं तीसरा कंटेस्टेंट तो नहीं हो सकता है, यानी कि कोई अप्रोच किया हुआ जिसके बारे में अभी किसी को भी कोई भी खबर नहीं हो, कहीं वो ये कंटेस्टेंट तो नहीं हो सकते। और तीसरा क्वेश्चन ये आ रहा है माइंड में कि कहीं ये कोई कंटेस्टेंट ही ना हो, सिर्फ और सिर्फ नकाब पुरुष ही हो और कुछ सिर्फ इनका काम यही हो कि सूटकेस लेके आए और वहाँ पे दे दिए और वहाँ पे बैठे लोगों के बीच में थोड़ा बहुत वो सस्पेंस क्रिएट किए और वहाँ से चले गए और इनका काम कुछ भी ना हो और ना ही कोई ये कंटेस्टेंट हो। वेल, 3 क्वेश्चन सभी के दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन हाँ, पहला क्वेश्चन जो है मैक्सटन वो थोड़ा नोटेड है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो मैक्सटन ने बाहर कुछ ज़्यादा ही हाइप बढ़ा रहे बिग बॉस के बारे में, बिग बॉस को थोड़ा ट्रोल कर रहे कि मेरे को नहीं बुलाया, मेरे को अप्रोच करके मेरे को रिजेक्ट कर दिया, थोड़ा बहुत वो बना रहे अपनी हाइप बना रहे कि मेरे को शायद बुला ले ऐसे वगैरह वगैरह। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ये मैक्सटन तो नहीं हो सकते हैं। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है आखिर कौन हो सकता है ये नकाब पुरुष, तो ये आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हो। आपको क्या लगता है, क्या ये मैक्सटन है या फिर कोई तीसरा कंटेस्टेंट है? वेल, आपको क्या लगता है कौन है ये, तो ये आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हो। और ऐसे बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ। बाय।